हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ DECE4 प्रोजेक्ट के साथ आपको कौन कौन से एनेक्सेस अटैच करने हैं। अगर आप DEC4 का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लो। अगर आपने सही से एनेक्सर नहीं लगाए या आपने सही से एनेक्सर अटैच नहीं करे तो आपके प्रोजेक्ट के रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपके प्रोजेक्ट का एनेक्सर सही से भरे होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं शुरू से लेकर आखिर तक सब बताने वाली हूँ, कौन कौन से एनेक्सर्स लगाने हैं, क्या क्या भरना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, कैसे डेट्स डालनी है, कैसे साइन करवाना है, सब कुछ बताऊंगी। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डाल देंगे। अगर आप DEC के स्टूडेंट हो और आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो, प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, या एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, या मेरा कोर्स लेना चाहते हो, सब कुछ आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएगा। अभी तक के DEC के सारे टॉपर्स हमारे गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आगे भी तुम्हें इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं कि सारे टॉपर्स हमारे ही जाए। तो सबसे पहले आपका एनेक्सर लगेगा हिंदी में संशोधित संलग्नक 1A। ये पिछली बार जो न्यू गाइडलाइंस आई थी उसमें ये एनेक्सर गिवन था। बाकी जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो हम आपको ब्लैंक एनेक्सर्स देते हैं और उन्हें भरना कैसे है वो भी बताते हैं, ठीक है जी। और वैसे अगर आपको सिर्फ ये एनेक्सर्स लेने हो वो भी आपको हमसे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका ये संशोधित संलग्नक 1A लगेगा जिसमें कि आपको क्या क्या भरना है। अब देखो ये पूरा का पूरा अगर मैं डाटा पढ़ने बैठी तो इसका कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी रूल नहीं है क्या है क्या नहीं। तो आपको क्या क्या भरना है वो बता रही हूँ मैं। प्रमाणित करता हूँ करती हूँ श्रीमती, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिमरन गुब्बर। नामांकन संख्या के आगे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे, जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया था तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर आया था ना आप वो लिख दोगे। नियमित अवधि के लिए 30 दिन कुल अवधि, ठीक है 30 डेज का प्रोजेक्ट होता है तो आप लिख दोगे 30 दिन कुल अवधि। डैश गाइड का नाम, अब गाइड का नाम क्या है, मान लो मेरी गाइड का नाम है सीमा, ठीक है मेरी गाइड का नाम है प्रियंका, मेरी गाइड का नाम है शीनू, कोई भी जो भी आपकी गाइड बनी है, जिस भी प्ले स्कूल में आपने साइन करवाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, वहां पे उस गाइड का आप नाम लिख दोगे। के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में डैश स्कूल में नर्सरी स्कूल का पूरा नाम, अब आपने जिस स्कूल में वीडियोस बनाई है या जिससे साइन करवा रहे हो उस स्कूल का नाम लिखोगे। पता, अब डैश से परियोजना कार्य की तिथि, कब से आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और कब आपका एंड हुआ वो लिखना है। अगर आपको याद हो तो मैंने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था विषय वस्तु की तालिका में आपको कैसे डेट्स डालनी है, तो वो वाली वीडियो देख लेना अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी। अब जैसे पहली डेट थी यहाँ पर क्या 2/9/2024, फिर ऐसे डेट डलती गई सारी, तो तीसरे चरण में 9/10/2024 को प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था 2/9/2024। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2/9/2024 जो आपने डेट्स डाली हुई है, और खत्म किस दिन हो रहा था ये मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया है। इस वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगी वीडियो के एंड में, तो देख लेना 9/10/24, ठीक है जी। खत्म हुआ आपका 9/10/2024। अब बोलोगे मैम ये तो 30 दिन से ज्यादा है। हाँ जी 30 दिन से ज्यादा है, लेकिन वर्किंग डेज तो 30 थे ना, इसलिए हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। अगर इसके बीच में टोटल जितने दिन आ रहे हैं वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज 30 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बाकी ये सारी चीजें बताई हुई है। दिनांक, अब आपने जिस दिन गाइड से साइन करवाए वो डेट डाल दोगे। जैसे आपका 9 तारीख को प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आपने साइन करवाए 11 तारीख को, 11/10/2024 को वो लिख देना। आप कहाँ रहते हो, जलंधर रहते हो, लुधियाना रहते हो, दिल्ली रहते हो, सोनीपत रहते हो, पानीपत रहते हो, जहां भी रहते हो वो स्थान का नाम लिख दोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं नर्सरी स्कूल शालापुर केंद्र के मुख्य अध्यापक अध्यापिका का हस्ताक्षर व नाम। अब जो आपकी प्रिंसिपल मैम है उसका, जिस स्कूल में आपने साइन करवाए हैं उनका नाम लिखोगे, ठीक है जी, और उनके साइन करवाओगे और नीचे यहाँ स्कूल की स्टैम्प लगवाओगे। इसमें आप नीचे आ जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको एक चीज, अब क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नामांकन संख्या के आगे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है जी, और
वन नंबर पे टिक करना है, टू पे टिक करना है, थ्री पे करना है, फोर पे टिक करना है, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे टिक करना है, और नीचे फिर दिनांक लिख दोगे, जो ऊपर दिनांक लिखा था स्थान लिख दोगे। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है? वैसे तो ये एनेक्सेस आपके गाइड को भरने होते हैं, बट गाइड कहता है इतनी चीजें तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कैसे क्या करना है, तो मैंने आपको समझा दिया, आप उसकी निगरानी में ये चीजें भर देना और गाइड आपका साइन कर देगा। फिर यहाँ पे गाइड का नाम आ जाएगा और गाइड के साइन आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे कह रहे हैं गाइड का फोन नंबर व ईमेल आईडी। अब आपका जो गाइड है उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी जो लिखनी हो लिख देना। नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम का नाम, ठीक है जी, नाम आ जाएगा और हस्ताक्षर का और क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे स्कूल की स्टैंप लग जाएगी। ठीक है जी, भरा गया। अगला क्या है? संशोधित संगणक 1B, ये भी पिछली बार की जो गाइडलाइंस आई थी उसमें था। इसमें भी क्या क्या भरना है? यहाँ पे सिमरन गुंबर लिख दिया, जो आपका नाम है नाम लिख देना, अपना एनरोलमेंट नंबर लिख देना। ठीक है जी, यहाँ पे आपके गाइड का नाम आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे जिस स्कूल में ट्रेनिंग करी है उसका नाम लिख देना, कुल अवधि 30 दिन, और डेट्स जो ऊपर डाली थी कब से लेके कब तक आपका प्रोजेक्ट चला था वो लिख देना। नीचे आओगे, क्या कहते हैं, वन नंबर पे, टू नंबर, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन क पे टिक कर लेना। अब इसमें ना सिक्स तक तो टिक कर दोगे, सेवन में क्या है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड किया है और प्रोजेक्ट फाइल को जमा कराने के पोर्टल पे इसका लिंक दिया है। अगर तो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो प्रोजेक्ट तो सेवन क को टिक करना है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप ऐसे जैसे पिछली बार तो प्रोजेक्ट का कोई लिंक ही नहीं आया था, तो उसकी हार्ड कॉपी सबमिट की थी, हार्ड कॉपी सबमिट की थी, तो इस पे टिक नहीं करना, आपको सेवन ख पे टिक करना है कि मैंने एक पेज लगा दिया है। ठीक है जी, ध्यान रखना, पिछली बार भी प्रोजेक्ट को अपलोड करने का लिंक नहीं आया था, तो उसके इंतजार में मत बैठे रहना, अपनी हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट कर देना। अपने प्रोजेक्ट की पीडीएफ बना के जरूर अपने पास रख लेना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। मुझसे चेक करवानी हो, मुझे दिखानी हो, तो वो आप मुझे भेज सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो रहा है। फिर वही तिथि लिख दोगे, स्थान लिख दोगे, विद्यार्थी का नाम, जैसे मेरा नाम सिमरन गुंबर है और मेरे साइन हो गए। ठीक है जी, उसके बाद नीचे अब आपको संगणक 7 क लगेगा, ये भी पिछली बार की गाइडलाइंस में था। अब ना अलग अलग जगह से एनेक्स्ट्रा लग रहे हैं, कुछ बुक से लगेंगे, कुछ गाइडलाइंस जो पिछली बार आई थी उसमें से लगेंगे, तो मैंने ये कंबाइंड करके 13 पेजेस की पीडीएफ बना रखी है, जो कि आप हमसे ले सकते हो। यहाँ पे आप गाइड का नाम लिख दोगे, आपके गाइड का नाम क्या है, उसने क्या क्या कर रखा है। आपका गाइड ने ETT, NTT, JBT, DLED की हो तो वो आपका गाइड बन सकता है, तो वो लिख देना उसने जो जो क्वालिफिकेशन की हुई है। ठीक है जी, उसको कितने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो लिख दोगे, उसने कोई शिक्षा संबंधी प्रशिक्षणों कार्यभागों में भाग लिया है तो वो लिख देना, नहीं लिया तो छोड़ देना। अगेन डेट, स्थान, और नीचे स्कूल, किस नर्सरी स्कूल के वहीं पे क्या कहते, कार्यरत गाइड का नाम भाग, हस्ताक्षर यानी कि जो गाइड है उसका नाम और साइन आ जाएगा, उसका फोन नंबर या जीमेल आईडी लिख देना। ठीक है जी, यहाँ पे मुख्य अध्यापिका कह सकते हो, उसका नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल की स्टैंप लग जाएगी। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके गाइड ने ETT, NTT, JBT जो भी करी है उसके डिप्लोमा की फोटोकॉपी को अटैच करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी डिप्लोमा की फोटोकॉपी अटैच कर दी है सिमरन गुंबर का, एक तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी सिमरन मैम ने भी DEC कर रखी है। ये देखो मेरे डिप्लोमा की फोटोकॉपी है ये सिमरन गुंबर, ठीक है जी, फर्स्ट डिवीजन से DEC करी है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो आप अपने गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी अटैच कर दोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, संगणक 3। अब ये जो 3 है ये आपकी बुक में जो थी, ठीक है, ये आपकी DEC 4 प्रोजेक्ट की जो बुक आती है वहां से पेजेस लिए गए हैं। आपके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप हमसे ये कंबाइंड PDF ले सकते हो, जिसका सीधा सीधा प्रिंट करा के फिल कर सकते हो। अब इसमें पहले दिन में 10 में से मार्क्स देने हैं आपको, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 10 10 में से मार्क्स देने हैं। जैसे इसमें हमने 9 9 9 8 9 दिए, तो 50 में से कितने मिल गए इस बच्चे को, 44 मिल गए। इसकी ज्यादा कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे वीडियो में दिख रहा है उस हिसाब से 8 को 9 9 को 7 ऐसे करके आप मार्क्स दे सकते हो।
नीचे आ जाते हैं। नीचे द्वितीय चरण में क्या कहते हैं, पहली एक्टिविटी क्रिया सत्र एक, क्रिया योजना 10 में से कितने मिले, 9 मिल गए। क्रिया योजित कराना 10 में से 8 मिल गए। क्रिया सत्र की रिपोर्ट 10 में से 8 मिल गए। तो 9 प्लस 8 प्लस 8 कितने होते हैं, 25। तो 30 में से 25 मिल गए बच्चे को पहली एक्टिविटी में। दूसरी एक्टिविटी में क्रिया योजना में 9 नंबर मिल गए, आयोजित कराने के भी 9 नंबर मिल गए, रिपोर्ट के 8 नंबर मिल गए, तो टोटल मिल गए 26। तो पहली एक्टिविटी में 25 मिल गए, दूसरी एक्टिविटी में 26 मिल गए, ऐसे करते करते आप सारी की सारी 30 की 30 एक्टिविटीज में नंबर भरोगे। ठीक है जी, किसी में 27 मिल रहे हैं, 28 मिल रहे हैं, 26 मिल रहे हैं, ऐसे करते करते अब आपको क्या करना है, नौ 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 दस, ऐसे ये वाले सारे क्रिया सत्र टोटल करके ये वाला जो टोटल आ रहा है प्लस करके टोटल अंक यहाँ पे लिख देने हैं। ऐसे ये वाले सारे डिजिट्स को टोटल करके यहाँ लिख देना है, ये वाली सारी डिजिट्स को टोटल करके यहाँ लिख देना है, और एंड में ये जो टोटलिंग मार्क्स आ रही थी हर एक्टिविटी में जो मार्क्स मिल रहे हैं टोटल करके यहाँ लिख देना है। ये देख लेना, इन तीनों का प्लस करके भी यही आएगा, इसको प्लस करके भी यही आएगा। ठीक है जी, हर एक्टिविटी के आपके टोटल 30 में से मार्क्स होंगे और 30 ही एक्टिविटीज हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। तृतीय चरण में पहले तो आपको पाठ्यचर्या के मार्क्स मिलेंगे, पहले दिन के 10 में से 10 मिल गए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, 9 10 9 10, तो 48 मिल गए, यानी कि यहाँ भी 50 में से 48 मिल गए। अब तृतीय चरण की जो एक्टिविटीज हैं उसमें कहा गया है, अगर आपको पता हो, एक दिन में आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 एक्टिविटीज करा सकते हो, मिनिमम कम से कम 3 एक्टिविटीज करा सकते हो। 4 एक्टिविटीज बच्चों को करवानी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम 3 ही करवाते हैं, आप भी 3 ही करवाना, मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्रिया योजना के 10 में से 10 मिल गए, क्रिया सत्र आयोजित कराने के 10 में से 9 मिल गए, क्रिया सत्र की रिपोर्ट 10 में से 10 मिल गए, तो इन तीनों को प्लस करके टोटल अंक पहली एक्टिविटी में 29 मिल गए, दूसरी एक्टिविटी में ऐसे ही 28 मिल गए, तीसरी एक्टिविटी में 27 मिल गए। तो पहले दिन का काम में ये हो गए। ठीक है, चौथी वाली को खाली छोड़ देना क्योंकि चौथी एक्टिविटी कराएंगे। दूसरे दिन की बात आई, वैसे ही मार्क्स देते गए, तीनों जगह पर मार्क्स दे दिए तो ये मार्क्स हो गए। ऐसे ही तीसरे दिन के आ जाएंगे, चौथे दिन के आ जाएंगे और पांचवे दिन के आ जाएंगे। तो फिर इस वाली फिगर्स को टोटल करोगे यहाँ लिख देना, इन फिगर्स को टोटल करोगे यहाँ लिख देना, इन फिगर्स को टोटल करोगे यहाँ लिख देना, और इनको मेन वाली को सबको टोटल करोगे तो यहाँ लिख देना, इन सबका सम इसके इक्वल ही आएगा, मतलब आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। अब ये कह रहे हैं क्या, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि बुक्स थोड़ी पुरानी प्रिंटिंग वाली है तो उसमें ये ज्यादा क्लियर नहीं है। तृतीय चरण के कुल अंक, अब तृतीय चरण जो था उसके अंदर ये पाठ्यचर्या भी तो आनी थी ना, तो पाठ्यचर्या का आपने यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं, 48 मार्क्स मिले हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 48 मार्क्स। ठीक है जी, एक बार ये ऊपर वाला रब कर देती हूँ ताकि इजिली पता चल जाए आपको। ठीक है जी, पाठ्यचर्या के 50 में से 48 मार्क्स, और यहाँ एक्टिविटीज के 410, यहाँ 410 प्लस 48 आपके बन गए कितने, 4, यहाँ पे जो फिगर बन गई। ठीक है जी, 458 आपके मार्क्स बन गए। अब ये कह रहे हैं टोटल कितने में से हैं, पहले ही जो आपका पाठ्यचर्या थी वो 50 मार्क्स की थी। ठीक है, अब ये द्वारा परियोजना के लिए शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक, अब वो कह रहे सॉरी कुल अंक टोटल कितने मिले बच्चे को, टोटल कितने मिले, कितने में से कितने मिले। ठीक है, कितने में से कितने मिले, टोटल कुल अंक। आपको पता है जो आपका पहला चरण था, पहला चरण था, कलर कोई और ले लेती हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनो, क्या तृतीय चरण में बच्चे को कितने मार्क्स मिले, पाठ्यचर्या में 48 मार्क्स मिल गए, एक्टिविटीज में 410 मिल गए, तो टोटल 458 हो गया। लेकिन अब टोटल अंकों की बात आ गई है, क्योंकि जब आप स्कूल में बच्चों की परसेंटेज निकालते हो तो ये देखते हो ना कितने में से कितने मार्क्स आए हैं। तो आपका जो पहला चरण था वो 50 मार्क्स का था, लिख दिया 50। दूसरा चरण जो था आपका वो था 900 मार्क्स का। अगर आपकी 30 एक्टिविटीज हैं, एक एक एक्टिविटी 30 मार्क्स की है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 900 का था। तीसरा चरण जिसके अंदर 50 मार्क्स का क्या था, पाठ्यचर्या थी,
और 15 एक्टिविटीज थी जो एक एक एक्टिविटी 30 नंबर की थी। ठीक है, अब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आप इस पे यहाँ पे पहुंच जाओगे कि टोटल 500 का था। ठीक है जी, कितने का था? 500 का था। तो टोटल करके आपका तीसरे चरण में आता है 1450 में से आपको मार्क्स मिलने हैं, 1450 में से आपको मार्क्स मिलने हैं। अगर तो ये बात समझ आ गई है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ आई तो मैंने वीडियो में साफ साफ लिखा हुआ है, आपने भी ऐसे लिख देना है, 50, 900, 500, 1450, ये सेम है। अब आपको कितने अंक प्राप्त हुए, पहले चरण में आपने जितने मार्क्स दिए हैं वो यहाँ पे लिख देना, दूसरे चरण में कितने मार्क्स दिए हैं यहाँ लिख देना। देखो अगर मैं आपको वापस से ऊपर लेकर जाऊं तो पहले चरण में इस बच्चे के 44 ये बन रहे थे ना, ये वाले 44। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया 44। ठीक है, दूसरे चरण में कितने बन रहे थे? 827। तो 827 हमने यहाँ लिख दिया। और तीसरे में अभी हमने देखा है 458 बने थे, तो 458 इन तीनों को प्लस करा तो इस बच्चे के 1329 हो गए। 1450 में से इस बच्चे को 1329 मार्क्स मिले हैं। ठीक है जी, अब ये क्या कह रहे हैं, पहले जो हमारे वाला गाइड होता था वो 70% के मार्क्स देता था और इग्नू वाले 30% को देते थे, लेकिन अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। अब हमारा गाइड 30% देता है और उनका गाइड 70% देता है। तो यहाँ पे जो 70 लिखा होगा छोटा सा काट के 30 कर लेना। और कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1329 मार्क्स आए हैं कितने में से, 1450 में से, और मल्टीप्लाई आपको 30 से करना है ताकि परसेंटेज आ जाए 30%। ठीक है जी, जितने मार्क्स आपको मिले हैं, जितने में से मिले हैं, और 30, ये 30 सेम रहेगा, 1450 सेम रहेगा, अगर आपने तीन तीन एक्टिविटीज कराई है तीसरे चरण में, बस ये चेंज हो जाएगा जो आपके मार्क्स आए होंगे। ठीक है जी, अब कहोगे कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेटर सब बच्चों के पास है, कर सकते हो। अब ये आ गया 27.49, तो इसको राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 27.5। ठीक है जी, अब इसमें आपको अपने बारे में थोड़ी सी तारीफें लिखवानी है। मैं सैंपल के लिए आपको ये पढ़ के बता देती हूँ, बाकी अपनी डिट्टो इसको ये मत लिखना, चेंज करवा के अपने हिसाब से लिखना। सिमरन ने अपना परियोजना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। सिमरन द्वारा आयोजित सभी क्रिया सत्र सफलतापूर्वक पूरे हुए। उसने सभी क्रिया सत्रों में खेल विधि का प्रयोग किया। पहले चरण में उसने अध्यापिका का अवलोकन बहुत अच्छे तरीके से किया, जिससे पता चलता है कि उसे अवलोकन और विश्लेषण करने की समझ है। ठीक है जी, दूसरे चरण में उसने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग क्रिया योजना बनाई। उसने बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला और पढ़ाया। सभी क्रिया सत्रों को रिपोर्ट को भी अच्छी तरीके से लिखी। तीसरे चरण में उसने नर्सरी स्कूल के हिसाब सफलतापूर्वक पाठ्यचर्या बनाई, अच्छे से सभी क्रियाएं करवाई। सिमरन मेहनती और अच्छी अध्यापिका है जो बच्चों को उनके हिसाब से खेल खेल में सभी चीजें सिखा देती है। फिर से वही साइन जिस दिन करा रहे हो वो डेट टाइम मतलब स्थान जिस स्थान पर हो। ठीक है जी, गाइड के हस्ताक्षर जो आपका गाइड है वो अपने साइन करेगा, प्रिंसिपल मैम साइन करेंगी, स्टैंप लगा देंगी। इसके बाद ये एनेक्सर्स अटैच होते हैं भाग ख जो कि इग्नू वाले भरेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 पेजेस हैं, ये बस आपको खाली अटैच कर देने होते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इस हिसाब से जो एक एक चीज मैंने बताई है अगर आप बिल्कुल ऐसे भरते हो एनेक्सर्स को तो कोई भी गलती नहीं होगी। पहले हमारे बहुत से स्टूडेंट्स 90+, 95+, 97+ मार्क्स लाए हुए हैं। अगर मैं मार्कशीट्स दिखाने पर आई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आपको वहां से सारी चीजें पता ही होंगी। ठीक है जी, तो ये वीडियो थी नए वाले एनेक्सर्स कैसे भरने हैं, क्या क्या करने हैं, तो इसको फॉलो करके अपने एनेक्सर्स भर सकते हो। बाकी बेस्ट सॉल्व प्रोजेक्ट चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे 90+ मार्क्स आएंगे, वीडियोस नहीं बनी तो उसका क्या जुगाड़ है, सारी की सारी चीजें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से आपको मिल जाएंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि सारा साल कोई भी दिक्कत ना आए। और ये तो डिप्लोमा हो ही जाएगा, इसके बाद आगे आप एंटिटी की गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके नोट्स और उसकी तैयारी भी आप हमसे
कर सकते हो। बहुत से बच्चे हमारे पढ़ाए हुए अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, इंडिया में भी बाहर भी। ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी आपको भी आपका करियर बनाने में हम मदद करें। थैंक यू सो मच।